हाय गाइस, वेलकम टू टुडे साउथ, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे केजीएफ 2 के बारे में। कन्नड़ फिल्मकार प्रशांत नील ने जब केजीएफ 1 बनाई थी, तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इस फिल्म पर देश भर में जमकर धन बरसेगा। यह कन्नड़ की बाहुबली साबित हुई। इसे हिंदी समेत कई भाषाओं में डब कर सिनेमा घरों में उतारा गया था। यह पहली कन्नड़ फिल्म है जिसने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। इसने 2 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। इसके नायक यश नए एंग्री यंग मैन के तौर पे उभरे। केजीएफ चैप्टर 1 को शानदार प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसके दूसरे चैप्टर के लिए दर्शकों का उत्साह दुगना हो गया। ऐसे में फिल्म का दूसरा भाग बनना ही था। पिछले कुछ हफ्ते से इस फिल्म को लेकर मीडिया में चर्चाएं थी कि व्या फिल्म सिनेमा घरों बंद होने के कारण सीधे ओटीटी पर रिलीज हो सकती है, लेकिन अब कन्नड़ फिल्मों के जाने माने अभिनेता यश ने अपने आने वाले फिल्म केजीएफ के दूसरे भाग के ओटीटी पर रिलीज होने को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया। खबरों के मुताबिक यश ने खुद सामने आकर कहा है कि उनकी यह फिल्म सिनेमा घरों में ही रिलीज होगी। ओटीटी पर इस बड़ी फिल्म को रिलीज करके वो अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहते। फिल्म के मुख्य अभिनेता यश ने कहा कि केजीएफ चैप्टर 2 की ओटीटी पर रिलीज होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा, इस पूरी फिल्म को बड़े पर्दे पर बेहतर अनुभव के लिए बनाया गया है। यश ने आगे कहा कि मेरे निर्देशक प्रशांत नील और मुझे पता है कि इस फिल्म के प्रशंसकों को इस फिल्म से कितने आशाएं हैं। वह चाहते हैं कि उनकी पहली फिल्म से भी ज्यादा एक्शन और कुछ ज्यादा बड़ा देखने को मिले। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। केजीएफ चैप्टर 2 की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसे पोस्ट प्रोडक्शन पर तेजी से काम चल रहा है। केजीएफ 2 के नायक तो यश ही हैं। इसमें संजय दत्त और रवीना टंडन ने भी अहम किरदार निभाए हैं। यश के साथ इस फिल्म में संजय दत्त खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 23 अक्टूबर को रिलीज करने की संभावना है। फिल्म से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।